एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सब अपने घर पे सेफ होंगे। तो ऐसे एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और आज के दिन की शुरुआत अभी बाहर आया हूँ बस आपके आगे। अब भी ऐसा सोचा नहीं, मैं पहले भी बाहर आया था भैया, जैसे आया हूँ ये देखो बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। ये तो सिर्फ बांदी बांदी है, छुट्टी है काफ़ी, ये सिर्फ बांदी बांदी है। लेकिन हाँ, जैसे ही मैं आया वैसे स्टार्ट हो गई है। तो मेरे को लग ही रहा था कि आएगी, चाची ने मेरे को कही थी कि राहुल ऐसा लग रहा है कि बारिश का मौसम है, शायद बारिश आ जाए। भाई मैं रेडी हो गया, नहा धो के बिल्कुल तैयार हूँ, मैं खाना भी खा लिया, मैंने लंच कर लिया। और अभी पता है आप लोगों को, मुझे ट्रिप पे निकलना है, ट्रिप पे निकला था, मुझे आज जाना था टी कैथलॉन और एम्बियंस मॉल में। टी कैथलॉन मुझे वहाँ जाकर मुझे लेना था रेन लाइनर्स लेना था, और मुझे अपनी बाइक भी दिलवानी थी, हेयर कट भी करवाना था, दाढ़ी भी कटवानी थी, मतलब इतने काम थे। और बारिश आ गई, चलो दाढ़ी तो और बाल तो कट जाएंगे लेकिन वहाँ कैसे जाऊँगा मैं फिर, और उसके बाद बाइक कैसे दिलवाऊँगा। बारिश आ गई, पता दिख रहा होगा आप लोगों को शायद, अगर ध्यान से देखो ना तो शायद ये यहाँ तो निशा ये ना दिख गया ना। हाँ ये आ गई भाई बारिश। मैं बस निकल जा सकता, तैयार हो गया था, मैंने ब्लॉग स्टार्ट की थी कि चलो अब चलेंगे, बट कोई नहीं भाई गाइस, अभी बाइक बारिश रुक जाए फिर बस उम्मीद ये है कि जल्दी ही रुक जाए और फिर फटाफट चलेंगे, अपना काम करेंगे। यार कल का तो प्लान मेरा बिल्कुल पक्का डन हो चुका है, कल निकलना ही निकलना है। थोड़ा थोड़ा वेट करते हैं, बारिश रुकती है अगर जल्दी रुकती है तो जल्दी चलते हैं, अगर लेट रुकती है तो भी लेट चलते हैं, बट हाँ जाना पड़ेगा। बारिश रुकते रुकते ना, मतलब मैं इंतजार कर रहा था बारिश रुक जाए, हुई नहीं, थोड़ी बहुत हुई थी, दो चार बूंदी गिरी थी, तो मैंने सोचा कि चल थोड़ी देर में जाएंगे, फिर धूप आ गई। और अब देखो टाइम क्या हो रहा है, शाम के 6:30 हो गए और अब मेरे को डी कैथलॉन भी जाना है। इससे पहले पीछे मैंने एक काम भी करा था, डी कैथलॉन भी जाना, मुझे बाइक भी धुलवानी है, दाढ़ी भी कटवानी है, बाल भी कटवाने हैं। इतना काम हो गया अब, एकदम हो गया, मतलब हो गया काम भाई। मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए था बट थोड़ा मैं लेट हो गया, कोई नहीं, वैसे 10 मिनट दूर है, 10-15 मिनट दूर है मॉल, वहाँ टी कैथलॉन मुझे 15 मिनट में टी कैथलॉन मिलेगा, वहाँ से वापस आऊँगा, बाइक भी धुल जाएगी तो सारा हो जाएगा। तो भाई चलो फटाफट चलते हैं। सो गाइस फाइनली भाई निकल तो गया हूँ मैं, आप लोग देख लो भाई, अंधेरा हो गया मेरे को निकलते निकलते। लो भाई इसने इसमें भी ठोक दी होती आगे, एक गाड़ी वाला देख लो, आई10 वाला कैसे रोकी इसने भाई, कोई मतलब नहीं, सुनाएंगे इसको सब लोग। लड़की है भाई, वैसे जज नहीं करना चाहिए बट फिर भी अब क्या करें भाई, लड़की थी रोकने वाली, लड़की के काम है वो। सो गाइस अभी हुआ क्या भाई, चाबी नहीं मिली भाई मेरे को बाइक की, चाबी गुम हो गई थी। अभी मैं कहीं गया था ना बाहर, तो मैंने गलती से चाबी रख दी थी हेलमेट के साथ, वो भी हेलमेट के नीचे। और भाई मैं हर चीज़ ढूंढ रहा, मैंने देख लिया कि भाई कहाँ मिलेगी हर चीज़ दोबारा बाइक में देख के आया, मुझे लगा बाइक में तो नहीं लगी, भूल गया मैं, बट भाई नई बाइक में भी नहीं थी, थी वो हेलमेट के नीचे, बताओ भाई। और इसी उसमें मुझे आधा घंटा लग गया चाबी ढूंढने के, उसमें ही आधा घंटा इसमें वेस्ट हो गया मेरा, और ऐसे ऐसे अंधेरा हो गया, ज़्यादा लेट हो गया वैसे आज मैं, कोई नहीं चलो फटाफट यहाँ से मॉल पहुँचते हैं भाई, फटाफट, ज़्यादा दूर नहीं यार। और मेरे हिसाब से ना मेरे को यहाँ से 5 से 7 मिनट लगेगी, मतलब पार्किंग वार्किंग सारी चीज़ करने में मुझे 10 मिनट लग जाएगी, मॉल तो मैं पहुँच जाऊँगा, 5 मिनट भी नहीं लगेगी। यहाँ से लेफ्ट मुड़, जो कट लेफ्ट जा रहा है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ते ही मॉल है हमारा, बस आगे चलो, यहाँ से लेफ्ट मुड़े के मेरे हिसाब से 1-1.5 किलोमीटर बाद आ जाएगा मॉल। लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम आती है, टाइम जो लगता है, वो लगता है पार्किंग में। तो फटाफट पहुँचेंगे यहाँ से, करवाएंगे अपने डी कैथलॉन से, मुझे एक तो लूँगा वो रेन लाइनर्स, और उसके बाद मैंने एक चीज़ और सोची लेने की, वो है कैप, मतलब विंटर्स की जो कैप होती है वहाँ पर काफ़ी, मतलब बिल्कुल पतली है, लेयर बिल्कुल पतली है, लेकिन भाई जो उसकी क्वालिटी है ना और जो उसका फैब्रिक है वो बहुत अच्छा है। मैंने लास्ट टाइम जब मैं बहुत पहले स्पीति गया था ना, उस टाइम मैं डी कैथलॉन गया था उसके लिए, अपनी जैकेट लेने के लिए, तो जैकेट तो ले ली थी मैंने उस टाइम, वो भी पसंद आया मेरे को, बट मैंने वो लिया नहीं था उस टाइम, मैंने सोचा चलो कोई नहीं बाद में लेंगे मैं, तो इस वजह से इस बार वो कैब भी ले लूँगा मैं, क्योंकि इस बार भाई अब बहुत ठंड मिलने वाली है जहाँ मैं जा रहा हूँ। तो आप लोग इंतज़ार करें, अभी सामान वामान लूँ मैं, सारी पैकिंग चेकिंग करूँ, सब कुछ सैडलर्स बैग में अपना सामान डालूँ, सारा काम हो जाना अपना, फटाफट पहुँच रहे हैं और अपना सामान लेते हैं गाइस, और सीधा आप लोगों से मॉल में मिलते हैं। तो गाइस मॉल में हो चुकी है भाई अपनी एंट्री, और गोप्रो मैंने निकाल दिया है क्योंकि ऐसे अलाव नहीं करते ये, तो मैंने निकाल के उसको अपने बैग में डाल दिया, बैग में ले आया था। तो हमें जाना भाई टी कैथलॉन, या तो इस फ्लोर पे हो या इससे ऊपर वाले फ्लोर पे है, फिलहाल अभी मैं हूँ H&M के आगे, तो अपना भाई टी कैथलॉन फटाफट चलेंगे यार, ऊपर लग रहा है मेरे को क्योंकि स्पोर्ट्स जो स्पोर्ट्स का सामान है ना उसके उधर पोस्टर लगे हैं, तो यहीं से ऊपर होगा शायद। हाँ देखो भाई सही कहा था मैंने, बिल्कुल सही कहा था, ये रहा ना टी कैथलॉन, फटाफट ले लेते हैं भाई, बहुत लेट हो गया हूँ मैं सही में, 7:30 के अराउंड टाइम हो गया, बाइक भी दिलवानी है यार, बहुत काम है, कैसे होगा, फटाफट चलो। तो भाई मेरे को मिल तो गया है ये है रेन लाइनर्स डी कैथलॉन का, जो उनका खुद की कंपनी बनाती है, फिलहाल मैं ट्रायल रूम में जाकर जरा इसको ट्राई कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। तो गाइस बिल्कुल परफेक्ट साइज आ गया अपना, ये थोड़ा बड़ा ही है इसलिए क्योंकि इसके नीचे मैं जैकेट भी डालूंगा,
तो उस वजह से ये है कि टाइट ना रहे मैंने, वैसे ये है मीडियम, देखो खुला है, इसके नीचे मुझे जैकेट भी डालनी है, अगर ठंड होगी जैकेट के नीचे मैं वॉर्मर भी डाल सकता हूँ, कुछ भी डाल सकता हूँ, इस वजह से ये मेरे को लगा बिल्कुल परफेक्ट। एंड हाँ, कैप भी है ना इसमें, कैप से कैप कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, हेलमेट तो है ही, बाकी हेलमेट के अंदर अगर लगानी चाहूँ कैप तो मैं लगा सकता हूँ, बाकी मुझे लगता है इसे कोई नीड है, और लो बिल्कुल कवर हो जाएगा। पानी का, पानी की भी बहुत अंदर नहीं घुसने वाली इस बार, बिल्कुल पानी से बच के रहना हमें। तो भाई चलो ये हो गया फाइनल, इसको निकालते हैं, अपना करवाती है इसकी बिलिंग, और भाई यहाँ से अपना चलते हैं। और हाँ एक चीज़ और, वो भी तो लेनी थी मेरे को, क्या था वो, भूल गया मैं फिर। हाँ कैप, कैप और ले लेता हूँ फटाफट, कैप उठाता हूँ, और ये तो हो गया मेरा साइज़ परफेक्ट आ गया, इसकी फटाफट बिलिंग करवा के और चलते हैं। सो गाइस बाहर आ चुका हूँ मैंने अपना जो सामान था वो ले चुका हूँ मैं, और भाई अभी ना मैं एक्चुअली मैं गोप्रो लगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ मेरे को 5 मिनट लगे यहाँ से घर जाने में, मैं 5 मिनट के लिए क्या ही गोप्रो, मैं सोचा कि रहने देता हूँ, बैग में लगे फिर निकालो, फिर 5 मिनट उसको लगाने में लगेगी, फिर वहाँ जाऊँगा फिर दोबारा निकालना पड़ेगा, सोच मैंने सोचा कि अभी रहने देते हैं, फटाफट घर पहुँचते और मैं बाइक दे देता हूँ अभी वॉशिंग के लिए, और इसने फिर अपना हेयर कट वगैरह है जो अभी वो करवा लेता हूँ, और फटाफट चलते हैं भाई, बाकी टाइम हो चुका है 7:46 हो गया भाई, चलो फटाफट चल रहे हैं अभी। सो गाइस अब आ चुका हूँ अपना भाई हेयर कट करवाने, काफ़ी लेट हो गया, मैं सामान रख दिया मैंने घर पे, अब भाई फटाफट चलो करवाओ अपना हेयर कट। सो गाइस आ गया हूँ घर पे मैं, और भाई हेयर कट हो गया है, एंड देख लो सही लग रहा है, दाढ़ी भी छोटी हो गई है, पहले तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, थोड़ा सा इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं, अब दाढ़ी वाड़ी सेट हो गई है एकदम अच्छे से, और अभी आप लोगों को एक झटका लगने वाला, जो मुझे खुद अभी अभी लगा है झटका। झटका तो क्या, मतलब ये है कि भाई कल जाना था मेरे को, समझाता हूँ आप लोगों को, सुबह सुबह 4 बजे निकलना था, लेकिन अब वो प्रोग्राम जो है वो कैंसिल हो गया भाई, मतलब काम इतने ज़्यादा हो गया आज, बहुत सारे काम हो गए एकदम, फिर मैं पैकिंग करना भूल गया, मैं पैकिंग ही नहीं कर पाया मैं, बाद में जाके मेरे को एंड में याद आया कि भाई पैकिंग तो करी ही नहीं, पैकिंग ही भूल गया, इतने सारे काम हो गया, दूसरी बाइक भी नहीं धुल पाई आज, एक तो मैं लेट आ गया, लेट हुआ हो गया वहाँ से आने में, मॉल से आने में, बाइक नहीं धुल पाई, मैंने सोचा लोग बाइक तो नहीं धुली, बाइक तो कहीं रास्ते में भी धुल जाती है, जाता मैं रास्ते में कहीं धुलवा लेता, 10-15 मिनट लगनी होती है बाइक धुलने में, लेकिन वो रह गई, तो चलो कोई नहीं, वो भी मैंने सोचा रहने दो कोई ना, लेकिन उसके बाद भाई बाद में मुझे याद आया अभी थोड़ी देर पहले कि यार पैकिंग वैकिंग तो कुछ करी ही नहीं मैंने, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होगी, तो इसलिए अब मैंने सोचा कि जल्दबाजी में तो भाई कुछ भी नहीं हो पाएगा, कल नहीं जा रहा मैं, परसों जा रहा हूँ, और परसों भी क्या कहते हैं 4 बजे निकलने का प्लान है मेरा, कल सारी सामान सारा आ चुका है, वो भी आ गया, क्या कहते हैं देखा उन्हें, रेन लाइनर भी आ गया, सारी चीज़ आ गई मेरी, जो मेन मेन जो ज़रूरी थी, जो मैंडेटरी थी, हर चीज़ आ चुकी है, पानी बहुत बड़ा नुकसान करते थे इसलिए पानी से बचना बहुत ज़रूरी था, तो भाई इसलिए अब कल का तो प्रोग्राम हो गया मेरा कैंसिल, पोस्टपोन हो गया, वो गलती मेरी है, मैंने पैकिंग नहीं की, कर ही नहीं पाया, टाइम ही नहीं मिला, और तो चलो कोई नहीं, बाकी चलेंगे परसों, फिलहाल अभी मेरे को वीडियो भी एडिट करनी है, तो अभी टाइम हो रहा है, रात के 11 बज रहे हैं, और अभी मैं बाल कटवा के आया था, उसके बाद मैं थोड़ा काम करने लगा था, नीचे ऑफिस में था मैं, फिर वहाँ आया घर पे, और फिर अब जैसे मैंने सोचा कि चलो भाई अब बात करते हैं निकलने की, फिर पता लगा कि भाई नहीं हो पाया, चलो कोई ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कल नहीं कहता कल कुछ होता, इस वजह से जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, चलो एक दिन टल गया आगे, कोई नहीं अच्छा ही है। सो गाइस अब डन हो चुका प्रोग्राम, परसों का डन करते हैं, बाकी अब मैं इस व्लॉग को करता हूँ यहाँ पे एंड, एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और साथ ही साथ मेरा हेयर कट भी और ये दाढ़ी भी पसंद आई होगी, जो कट है हेयर कट अच्छा लगा होगा, बाकी अगर इस व्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ, एंड आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, गाइस अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, एंड शेयर करें, एंड कमेंट भी करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, तो गाइस चलो बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में।